मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज आपको लिए चलते हैं आगरा। आगरा में महाराज जी आए हुए हैं और ठाकुर महावीर सिंह के यहां विराजमान है। सर्दी है, विकट सर्दी है। वर्ष 1972 का नवंबर दिसंबर है या जनवरी फरवरी है 1973 का, क्योंकि ये घटना जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं वो महावीर जी के घर की अंतिम घटना है महाराज जी के साथ की, क्योंकि महाराज जी के दर्शन वहां अंतिम थे। पता नहीं था महाराज जी को, तो पता था महाराज जी कंबल में ओढ़े बैठे अपने तख्त पर विराजमान है। प्रातः की बेला है, एक दो भक्त आ गए हैं। महाराज जी स्नान करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तुरंत ही वहां का सेवक बाथरूम में पानी लोटा बाल्टी सब व्यवस्था करके और महाराज जी उसमें घुस जाते हैं। महाराज जी स्नान कर लेते हैं। महावीर सिंह का पुत्र ठाकुर कर्णवीर सिंह, ठाकुर लगा दो भैया मजा आ जाता है, ठाकुर है ना, तो ठाकुर कर्ण सिंह धोती लिए बाथरूम के बाहर खड़े हैं। महाराज जी जैसे ही निकलते हैं तो जब स्नान करो ना और देर न पहुंचो तो क्या होता है, पूरे शरीर पर पानी की हल्की हल्की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। और महाराज जी जब निकले तो शरीर पर बूंदे तो दिखाई पड़ी, धोती पहने हुए थे। महाराज जी से कर्णवीर ने पूछा, महाराज जी आपने स्नान नहीं किया क्या? बोले कर लिया। बोले धोती तो भींगी नहीं है। बोले धोती नहीं भींगी, ऐसे ही तो स्नान करने में आनंद आता है। अब महाराज जी की अपनी लीला है, उनकी धोती भींगी नहीं, महाराज जी ने स्नान कर लिया, उन्होंने कहा अब बदल लो इस धोती को। कर्णवीर ने कहा, बहुत उन्होंने विनय की, महाराज जी ने कहा नहीं। कर्णवीर कहते हैं कि ये रखिए साहब, अब की बार जब आओगे तब यही धोती आपको पहननी पड़ेगी। जिद कर जाते ना बच्चे। तो महाराज जी कहते हैं पता नहीं अब कब आना हो, क्योंकि महाराज जी को तो पता था कि उनकी ये अंतिम विजिट है, अंतिम बार आए हैं मानव लीला में, अब इसके बाद नहीं आना होगा। महावीर जी भी जब वहां पर महाराज जी से मिलते हैं तो कहते हैं महाराज जी धोती बदल लेते। कर्णवीर पहुंचा नहीं, उन्होंने समझा कर्णवीर बाथरूम के आगे नहीं खड़ा होगा, उन्होंने डांटा कर्णवीर। मैं खड़ा था पहले से ही। महाराज जी मुस्कुराते हैं, बोले के नहीं नहीं ठीक है, अब इसी धोती में हो जाएगा। धोती की बात चल रही है तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता हूं, भाग्यवान समझता हूं। अशोका दीदी चली गई, जब मैं फोर्थ चर्चलैंड गया था तो महाराज जी की पहनी हुई धोती उन्होंने मेरे सिर पर रख दी थी और मुझे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल गया था। मुझे लगा था कि मैंने जिंदगी में जो काम किए हैं उसके लिए मुझे इससे बड़ा पदक मिल नहीं सकता। आज दीदी भी नहीं है हम लोगों के बीच में, खैर क्षमा कर हो जाता ऐसा। तो महाराज जी ने ये कहा कि अब पता नहीं कब आना होगा। ये सब बातें चल रही थी लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये संकेत जानेंगे। ठीक है भैया, चलते हैं फिर नई कथा के साथ आपसे मिलेंगे। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट